सिरसा संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल आज फतेहाबाद पहुंची और जोरदार तरीके से रोड शो कर मतदाताओं का धन्यवाद किया। भाजपा के चुनाव कार्यालय से शुरू हुआ रोड शो शहर के जीडी रोड, लाल बत्ती चौक, फवारा चौक, जवाहर चौक से होता हुआ वापिस पहुँचा। रोड शो के दौरान शहर वासियों ने दिल खोल कर सुनीता दुग्गल का स्वागत किया। रोड शो के रास्ते समर्थकों द्वारा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगते रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए सुनीता दुग्गल ने इलाके के 18 लाख मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि सिरसा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने भाजपा और मुझ पर जो विश्वास किया है, जिस प्रकार से 3 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाया है, वे उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। उन्होंने इलाके के बारे में अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा, इलाके का युवा नशे की दलदल में फंसता जा रहा है, इसके लिए उनकी प्राथमिकता रहेगी कि इलाका पूरी तरह से नशा मुक्त हो। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र खुलवाए जाएंगे और युवाओं के लिए योजनाएं लाई जाएंगी ताकि युवा अपनी एनर्जी को सकारात्मक दिशा में लगा सके। वहीं उन्होंने कहा कि सिरसा संसदीय क्षेत्र में शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उद्योग स्थापित करवाने के लिए सभी प्रयास होंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा, फतेहाबाद सहित सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में इन मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी गई है और उनका प्रयास होगा कि वे सुविधाएं शीघ्र ही जनता तक पहुंच सके। अच्छी जीत हासिल की है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आगे की जो रणनीति है, जो आगे का आपका प्लानिंग है सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के, क्या रहने वाला है? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सभी लोगों ने हृदय से स्वीकार किया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व को हरियाणा में सभी लोगों ने स्वीकार किया है, उसी पर ये मोहर लगाई है। जो 3 लाख से भी ज्यादा की जो है यहाँ से लीड जो रही है, तो मैं सभी मतदाताओं का 18 लाख जो हमारा मतदाता है सीधा लोकसभा का, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ साथ सभी संगठन के कार्यकर्ता बंधुओं का, पदाधिकारियों का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं उनको ये उम्मीद दिलाना चाहती हूँ कि जिन अपेक्षाओं के साथ उन्होंने यहाँ से मुझे सांसद बना के पंचायत में भेजा है, मैं उनको खड़ा हूँ की पूरी कोशिश। सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ऐसा क्या करने जाएंगे जो लोग याद रखेंगे भाजपा पहली बार यहाँ आई और कुछ करके गए? कि मैं यहाँ पर हमारे युवा में उनका किसी भी तरह से जो है नशा उनका जो है उनसे डिटेक्शन सेंटर जितने आप हो सकेंगे और एक बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आ सके, इसके साथ साथ रेलवे के बने और यहाँ पर कृषि से संबंधित कोई भी बड़ी इंडस्ट्री आए, उद्योग आए, इस तरह की मेरी कोशिश रहेगी। मैं जहाँ तक भी कामयाब हो सकूंगी मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से पुरजोर, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि यहाँ पर जो है बड़े कुछ ना कुछ इस तरह की योजनाएं जो है केंद्र की जरूर आएगी। सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर फतेहाबाद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ ना तो कोई कॉलेज है और ना कोई इंडस्ट्री है, तो उस तरफ आपका क्या रहने वाला है? नहीं देखिए, मैंने तो ये नोटिस किया है कि पूरी सिरसा लोकसभा ही जो है इन सब चीजों से वंचित है, तो हम कुछ ना कुछ इस तरह से करेंगे कि पूरी सिरसा लोकसभा को उसका फायदा मिले। तो मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि मैं कुछ भी ऐसा करूं कि लोग याद रखें और लोग ये कह सकें कि सिरसा लोकसभा के लिए हमारी बहन जी सुनीता दुग्गल ने खास काम किया और केंद्र की योजना लेकर आई। ठीक है, थैंक यू।